हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई नो कि मुझे बहुत लेट हो गया अपनी वीडियो डालने में, बट क्या करूं। लेकिन उसके पहले मैंने बहुत सारी रेडी करी है चीज़ें जो कि माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर, सो जो भी है आपके सामने आप देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। सो ये है चिकन वाली मशीन जो कि मैंने बनाई है। इसके अंदर हमें अनलिमिटेड एग मिल जाते हैं हॉपर की मदद से। सो ये देखिए हॉपर आइटम हॉपर से चेस्ट में आते हैं। ये हमारे बैम्बू एंड ये मैंने अपना जो फार्म है ये थोड़ा बड़ा कर लिया है, बिग कर लिया। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड आपने स्केलेटन फार्म आपने हमने देखा होगा या नहीं, आई डोंट नो। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं माइनिंग करती हूँ एंड लास्ट में यहाँ एक स्केलेटन फार्म है जहाँ पे मुझे स्केलेटन का स्पॉनर मिला था। तो एक तो दोनों में लड़ाई करने लग गए। एंड इसके नीचे यहाँ चेस्ट है जहाँ पे 64 क्या बोलते हैं एरोज एंड हड्डी जो भी कहते हैं इसको बोन हमें मिली। एंड ये मैंने एक हाउस बनाया है थोड़ा आगे चल के इस अपने हाउस से, मॉडर्न हाउस बनाया है। इसके लिए इतने दिन लग गए मैं बना रही थी। एंड आप देखिए अब हम इसके अंदर एंटर होते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें फ्लावर पॉट्स दिखेंगे एंड आप अच्छे से लुक देख लीजिए। एंड इसके अंदर जाते ही हमें यहाँ दिखेंगे फ्लावर पॉट्स जो कि बहुत सुंदर सुंदर है। मैंने अपने घर के अंदर फ्लावर पॉट्स बहुत लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बालकनी दिखाते हैं अपनी। सो लेट्स गो। यहाँ पे है हमारी बालकनी जहाँ पे एक फिश भी है छोटी सी एंड ये हमने एक छोटी सी नदी टाइप बनाई है। प्रेशर प्लेट्स एंड आयरन का डोर भी लगा रखा है क्योंकि ये जो विलेजर्स आपको दिख रहे हैं ना मेरे घर के अंदर कुदक कुदक के, ये इस घर के अंदर ना घुसे। एंड सनफ्लावर्स एंड ये बहुत सारे फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं मैंने। एंड अब चलते हैं दूसरी तरफ घर के अंदर। या ये देखिए मैंने सुंदर सुंदर सनफ्लावर्स भी लगा रखे हैं। प्रेशर प्लेट, आयरन का गेट। अब हम इसके अंदर चलते हैं, लेट्स गो। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अंदर जाते ही हमें दिखता है टेलीविजन एंड एक टेबल जिसके ऊपर फ्लावर पॉट है। फ्लावर पॉट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एंड सोफा एंड लाल टेन ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ वाली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। इसकी वजह से मैंने बहुत दिन लगा दी इसको ढूंढने में, एक्चुअली मतलब बनाने में, इसका सामान इकट्ठा करने में। एंड ये हमारा टेलीविज़न जो कि ऊपर से हमारी टेलीविज़न की टीवी लाइट्स हैं, टेलीविज़न लाइट्स हैं। एंड आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मैंने बहुत बढ़िया मैंने क्वार्टर ब्लॉक से बनाया अपना ये। एंड यहाँ पे बैरल है कुछ एंड दो मेरे पास एंडर चेस्ट रखे थे अभी तक, तो मैंने वो यहीं लगा दिए एंडर चेस्ट। एंड यहाँ पे है हमारी लाइब्रेरी इसके साइड में। एंड यहाँ पे हमारी एक कबर्ड एंड ये है हमारी स्टॉक जहाँ पे हम खाना पकाते हैं। एंड ऊपर चिमनी टाइप है कुछ कि चिमनी से ऊपर हवा निकल जाएगी, जो भी धुआं मैंने ऐसे अपने माइंड से बना दिया। और मैं चिमनी के ऊपर खड़ी हूँ इस समय। एंड लेट्स गो। एंड ये हम मैंने आइटम फ्रेम लगा रखे हैं। मेरी किचन है अभी पूरी नहीं बनी हाँ, क्योंकि आइटम फ्रेम के अंदर आइटम भी तो आएगा, इसलिए एक फ्लोर ही बनाया है मैंने। एंड और क्या है, और कुछ भी नहीं है इस घर के, कुछ भी नहीं था। चलो अब चलते हैं भाई, मैंने थोड़ा बालकनी टाइप बना रखा है ना इसीलिए। एंड ये मेरा फार्म देख सकते हैं कितना बड़ा है। एक चीज और बनाई है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा फार्म देखिए पहला कितना बड़ा कर दिया मैंने। एंड ऊपर बैम्बूज वगैरह, मैं तो इन्हें बैम्बू कहती हूँ इनका जो भी नाम हो है ना, ये बहुत ऊपर तक चले गए हैं, इतने ऊपर इन्हें काटना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ डायमंड की खुदाई करी थी पीछे जो गुफा थी। एंड मैं आपको अपना हाउस दिखाती हूँ। यहाँ पे है हमारा एक पतला सा एक बालकनी, यहाँ विलेजर खड़ा है, साइड हो जाइए विलेजर जी। यहाँ पे है हमारे पानी के अंदर मछलियां तैर रही हैं, वाओ ब्रिलियंट। ये हमारा चेस्ट रूम है वैसे, लेकिन मैं चेस्ट के अंदर कुछ काम तो करती हूँ नहीं। ओ हैंग हो गई मैं, एक्चुअली ओ हिल गई हिल गई।
सॉरी लेट्स गो। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, गेट कहाँ से है? हीरा। ओके एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा एक नीचे विलेज है, एक छोटा सा विलेज जहाँ पे मैंने अपने एंजेंट करने के लिए थोड़ी चीज़ें बना रखी हैं। एंड ये मुर्गी आ गई बीच में, मैंने इसको मार दिया। एंड ये है हमारे विलेजर्स, ये हमारे विलेजर्स बेड के सामने क्राफ्टिंग टेबल एंड बहुत चीज़ें रख रखी हैं। ये हमारे लाइब्रेरियन के लिए रूम है एंड ये लाइब्रेरियन के लिए रूम एंड ये टेढ़े टेढ़े सोते रहते हैं अपनी विलेजर्स जब भी मैं देखती हूँ आधा ज़्यादा। ये हमारे फार्मर्स के लिए रूम है, इतनी भीड़ लगा रखी है ना उन्हें, इतने बढ़ चुके हैं ना मैं क्या बताऊँ। सो थोड़ा फूड खा लेती हूँ, हेल्थ बहुत कम थी मेरी। ठीक सो लेट्स गो अपसाइड। अब हम ऊपर चलते हैं। ये आयरन के डोर लगा रखे हैं, आजकल आयरन के डोर लगाने का बहुत शौक हो रहा है मुझे, क्योंकि विलेजर्स हर जगह घुस जाते हैं, एक जगह नहीं छोड़ी है, मैंने स्विमिंग पूल तक में घुस गए। हाँ तो ये है मेरा स्विमिंग पूल जहाँ पे मैंने स्टेयर से डिजाइन बनाया, डिजाइन क्रिएट करा है। मेरा एक स्मॉल सा हाउस भी बना रखा है साइड में, कभी रात हो जाए एकदम जैसे अभी हो चुकी है, यहाँ पे सोने के लिए। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं। सो इस समय मैं स्लीपिंग कर रही थी, उठ गई हूँ। सो लेट्स तो अब हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक छोटा सा जंपिंग टाइप है, ऊपर से हम कूदते हैं इस पे से और ऊपर से सीधा हम वाटर के अंदर छलांग मारते हैं लाइक दिस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ्लोर। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया, सेकंड और थर्ड फ्लोर नहीं दिखाया, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इतनी चीज़ें बना ली है मैंने इतने दिनों में, वाटर मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं ही ले आई हूँ ढूंढ ढूंढ के। एक्चुअल में प्लांट्स का भी बहुत शौक है। एंड आप हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ पार्की भी जरूर देखिएगा, उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं प्लांट से रिलेटेड। एंड यहाँ पे हम अपना एंचेंटेड रूम में ले जा रही हूँ मैं आपको, आई थिंक आपने देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो, ये मैंने एंचेंटेड रूम में मैं यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें एंचेंट करती हूँ। ये है हमारी किचन जो कि आपने देखी, पीछे निकल गई बातों में लग जाती हूँ। ये हमारा थर्ड रूम जो कि मैंने रिसेंटली लाया, ये लाल टीन जो भी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है। यहाँ पे हमारी कबर्ड्स हैं आप देखिए, ये हमारा टेलीविजन जो कि मैंने नीचे से बनाया। ओफो चलो, मैंने तीन तीन टेलीविजन बना दिए अपने घर के अंदर, बहुत ईजी होते हैं भी बनाने। एंड जिस जिसको नहीं पता कि सैंड ग्लास कैसे बनते हैं तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको सैंड चाहिए होंगी एंड पहले मुझे भी नहीं पता था, सैंड चाहिए होगी और आपको फर्नेस चाहिए होगा। सैंड को फर्नेस के अंदर डाल के आपको कोल लेना होगा, उसको पिघला के आपको ग्लास बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड बाय।